कपिल शर्मा और गुत्थी का हुआ झगड़ा खत्म, आ रहे हैं फिर एक साथ। दोस्तों बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहां आए दिन झगड़े भी होते हैं और दोस्ती भी होती है। झगड़ा ऐसा कि सालों साल लोग एक दूसरे से बात नहीं करते हैं और दोस्ती ऐसी कि एक दूसरे के लिए जान भी देने को तैयार हो जाते हैं। बॉलीवुड के ऐसे कई सेलिब्रिटी हैं जिनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती, जो एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। वहीं कुछ सेलिब्रिटी ऐसे हैं जो अपने दोस्तों को ही अपना परिवार समझते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं कॉमेडी किंग कपिल शर्मा की सबसे बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे कपिल शर्मा और कॉमेडियन सुनील ग्रोवर के बीच में छोटी सी बहस लड़ाई में बदल गई और इन्होंने साथ में काम करना ही बंद कर दिया। तो चलिए बताते हैं आपको पूरी कहानी। दोस्तों कपिल शर्मा बॉलीवुड के जाने माने कॉमेडियन है। कपिल शर्मा एक ऐसा नाम है जो घर घर में प्रचलित है और जिन्हें हर कोई जानता है। कपिल शर्मा का अपना शो द कपिल शर्मा शो टीवी पर इतना फेमस है कि लोग उसके रिपीट टेलीकास्ट भी देखना पसंद करते हैं। लेकिन ये शो अकेले कपिल शर्मा का नहीं है, उनकी टीम का है। उनकी टीम में बॉलीवुड के और भी कई कलाकार और कॉमेडियन शामिल है, जिनमें से एक नाम है सुनील ग्रोवर का। जी हाँ, वही सुनील ग्रोवर जिन्हें गुत्थी के रूप में आप कपिल के शो में देखा करते थे। इसके अलावा भी कपिल शर्मा की टीम में चंदन, कृष्णा, सुमोना, भारती जैसे कलाकार होते हैं और ये सब मिलकर कपिल शर्मा शो को प्रेजेंट करते हैं और बहुत ही अच्छी कॉमेडी करते हैं। कपिल शर्मा खुद कहते हैं कि मेरी टीम के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। जिनमें चंदन और भारती तो ऐसे कलाकार हैं जो कपिल के साथ उनके स्ट्रगल के दिनों के साथ हैं, जब ये लोग छोटे छोटे स्टेज शो किया करते थे। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर की दोस्ती के बारे में। सुनील ग्रोवर ने कपिल शर्मा के शो में गुत्थी के रूप में एंट्री ली थी और उनका ये कैरेक्टर ऑडियंस को काफी पसंद भी आया था। इसके अलावा कपिल के शो में सुनील ने डॉक्टर गुलाटी की भी भूमिका निभाई थी, जिसे भी लोगों ने काफी पसंद किया था। लेकिन एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि सुनील ग्रोवर ने शो में आने से मना कर दिया। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह और कहानी बताई जाती है। मीडिया में अचानक खबरें आने लगी कि कपिल और सुनील ग्रोवर की बहुत बड़ी लड़ाई हो गई है और ये लोग अलग हो गए। इस बीच ये बताया गया कि कपिल शर्मा ने सुनील के साथ काफी बदतमीजी की। इसके बाद सुनील का भी ईगो हर्ट हो गया और उन्होंने कपिल शर्मा के साथ कभी भी काम न करने की कसम खा ली। असल में कपिल अपनी पूरी टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया में शो प्रेजेंट करने के लिए गए थे। शो करने के बाद जब ये लोग फ्लाइट से घर वापस आ रहे थे तो कपिल और उनकी पूरी टीम, जिसमें चंदन, सुनील, भारती, कृष्णा सभी शामिल थे, वापस आ रहे थे और ये लोग ड्रिंक भी कर रहे थे। मौज मस्ती का माहौल था, सभी लोग अच्छे मूड में थे और मस्ती कर रहे थे। बाकी सभी लोग अपनी अपनी सीट पर बैठ गए और खाना खाने लगे। फ्लाइट के क्रू मेंबर्स ने सभी को खाना देना शुरू किया, लेकिन कपिल अभी भी ड्रिंक कर ही रहे थे। सभी लोगों ने खाना शुरू कर दिया था और कपिल जब अपनी टीम के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सभी ने खाना शुरू कर दिया है और उन्हें किसी ने पूछा भी नहीं, यानी कि उनके बिना ही सब लोग खाना खाने लगे। इस बात पर कपिल शर्मा को बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि वो नशे की हालत में थे, इसीलिए वो अपनी टीम के ऊपर भड़क गए और उनका सारा गुस्सा सुनील ग्रोवर के ऊपर उतर गया। उन्होंने सुनील से कहा कि तुम मुझसे पहले खाना कैसे खा सकते हो, क्या तुम जानते नहीं हो कि तुम्हारी औकात क्या है, मुझसे पहले खाना खाने के बारे में तुमने सोचा भी कैसे। इस तरह की बातें नशे में कपिल के मुंह से निकल गई, लेकिन सुनील ग्रोवर ने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। सुनील को पता था कि कपिल नशे की हालत में है, इसीलिए उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाने के बारे में नहीं सोचा, इसीलिए वो चुप रहे और उन्होंने कुछ नहीं बोला। ये सभी लोग मुंबई वापस आ गए। कपिल शर्मा और उनकी बाकी टीम के मेंबर्स अपने अपने काम में बिजी हो गए। जब कपिल का नशा उतरा तो उन्हें ये एहसास हुआ कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और उन्हें नशे की हालत में अपनी टीम से या फिर सुनील से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। उन्हें जैसे इस बात का एहसास हुआ, उन्होंने तुरंत सोशल मीडिया पर सुनील को टैग करते हुए अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी भी मांगी। कपिल ने सरेआम इस बात को कहा कि नशे की हालत में उनसे जो भी गलती हुई है उसके लिए वो बहुत शर्मिंदा है, उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है और इसके लिए वो सुनील से माफी मांगते हैं। लेकिन कपिल ने जो फ्लाइट में पूरी टीम के सामने सुनील के साथ बर्ताव किया था, इसके बाद सुनील काफी ज्यादा हर्ट हो गए थे। भले ही उन्होंने कुछ बोला नहीं, लेकिन ये बात उनके मन को लग चुकी थी और वो इतने ज्यादा दुखी हुए कि उन्होंने कपिल का शो छोड़ने के बारे में सोच लिया और उन्होंने फैसला कर लिया कि अब वो कपिल के साथ अपने काम को कंटिन्यू नहीं करेंगे। सुनील ने अपने फैसले को कायम रखा और उन्होंने इस शो को अलविदा कह दिया। इसके बाद कपिल शर्मा का शो सुनील के बिना ही जारी रहा। इसके बाद तो जैसे कपिल का डाउनफॉल ही शुरू हो गया। उनके और टीम मेंबर्स ने भी शो छोड़ना शुरू कर दिया। चंदन को उनके बचपन के और स्ट्रगल के दिनों के साथी रहे हैं, उन्होंने भी शो छोड़ने का फैसला लिया और शो छोड़ दिया, क्योंकि कपिल शर्मा ने उस दिन नशे की हालत में चंदन को भी बहुत सारी बातें सुना दी थी, जिसके बाद वो भी हर्ट थे और सुनील के छोड़ने के बाद उन्होंने भी कपिल का शो छोड़ दिया। इतने नहीं, कपिल की नानी का रोल निभाने वाली अली असगर, जो कि एक जाने माने अभिनेता है, उन्होंने भी कपिल के शो को छोड़ दिया। हुआ ये था कि कपिल के शो पर नाम शबाना फिल्म की पूरी टीम फिल्म के प्रमोशन के लिए पहुंची थी और अली असगर और चंदन नजर नहीं आए, तो उन्हें फोन लगाया गया और दोनों ने ही फोन नहीं उठाया। वही अंदाजा लगाया गया कि फ्लाइट में जो बदतमीजी हुई उसकी वजह से तीनों को बहुत तकलीफ हुई है और जो झगड़ा हुआ उसकी वजह से लोग शूट पर नहीं आए। उस समय शो के जज नवजोत सिंह सिद्धू भी इस बीच इन्वॉल्व हुए और उन्होंने सुनील ग्रोवर को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और कहा कि वो शो पर वापस नहीं आएंगे। इसी बीच चंदन का रवैया भी ऐसा ही था और उन्होंने भी शो पर आने से मना कर दिया। कपिल शर्मा शो की क्रिएटिव हेड प्रीति ने भी इन लोगों के बीच दूरियां बढ़ाना शुरू कर दी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कपिल और प्रीति का अफेयर था और वो शादी करने वाले थे, लेकिन कपिल ने उन्हें छोड़कर गिन्नी से शादी कर ली। प्रीति को ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने कपिल का साथ छोड़ दिया। धीरे धीरे बात जब इंडस्ट्री में फैली तो इंडस्ट्री के भी बहुत से ऐसे लोग जो कपिल को अपना अच्छा दोस्त मानते थे, उन्होंने भी कपिल का साथ नहीं दिया। इसके बाद कपिल को अपने शो को तो चलाना ही था, इसीलिए कपिल ने अपने शो पर तीन पुराने कॉमेडियंस को बुलाया जो कि द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो में उनके साथ काम किया करते थे। ये थे राजू श्रीवास्तव, एहसान कुरेशी और सुनील पाल, जिन्होंने द कपिल शर्मा शो में एंट्री ली और शो को आगे बढ़ाया। लेकिन शो को वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जो सुनील, चंदन और अली असगर के रहते हुए मिलता था और शो की टीआरपी गिरने लगी। इसके
बाद कपिल शर्मा को भी काफी तकलीफ हुई और वो काफी समय के लिए डिप्रेशन में चले गए। उस समय कपिल ज्यादातर नशे की हालत में होते थे। उन्होंने खुद बताया था कि वो दिन भर पिया करते थे और उनकी सेहत भी बिगड़ने लगी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने जैसे तैसे कम बैक करने के बारे में सोचा और फिर से कपिल शर्मा शो को लेकर आए। इसके बाद धीरे धीरे उनकी टीम भी वापस आने लगी और अब पूरे 6 साल बाद कपिल और सुनील दोनों ने ये ऐलान किया है कि वो दोनों एक साथ वापस आ रहे हैं। वो भी कपिल शर्मा शो नेटफ्लिक्स पर आने वाले हैं। कपिल शर्मा शो में उनकी पूरी टीम वापस आ रही है जिसमें सुनील ग्रोवर भी शामिल है। कपिल और सुनील के बीच जो भी झगड़ा या परेशानी थी वो अब दूर हो चुकी है और दोनों दोस्त एक बार फिर से लोगों को हंसाने के लिए एक साथ आ रहे हैं। इस शो का नाम द ग्रेट इंडियन कपिल शो होगा और ये नेटफ्लिक्स पर जल्द ही प्रसारित किया जाएगा, जिसकी शूटिंग शुरू हो चुकी है और इसमें कपिल के साथ उनकी पूरी टीम सुनील, कृष्णा, चंदन और अर्चना जी नजर आने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कपिल शर्मा शो की तरह द ग्रेट इंडियन कपिल शो भी उतना ही पॉपुलर होगा और कपिल और सुनील की जोड़ी एक बार फिर कमाल करेगी।